Hello friends, welcome to Mama's World. आज इस वीडियो में हम लोग एक फूड रीडर का रिव्यू देखेंगे. इसका नाम है मीमी स्क्वीजी सिलिकॉन स्पून फीडर विद इनबिल्ट स्टैंड. तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं. ये इस तरह के एक प्लास्टिक के बॉक्स में आता है. इसके ऊपर की तरफ इसका पूरा नाम लिखा हुआ है. इसके एक तरफ कुछ इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे BPA फ्री, 4 मंथ प्लस, 90 ml, इजी ग्रिप, बाइट रेजिस्टेंट एंड अनब्रेकेबल. मैं अभी डिटेल में आपको इसके फीचर्स बताती हूँ. इसके पीछे भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे मिमी के एडवांटेज और कैसे यूज करें. तो चलिए हम लोग ओपन करते हैं. ये प्रोडक्ट एक बोतल की तरह है, जैसे कि एक मिल्क बोतल होती है उस तरह का है. और लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसकी आगे की तरफ एक स्पून लगा हुआ है. जो नीचे का पार्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट है और उसमें ml भी लिखे हुए हैं. ये टोटल 90 ml की बोतल है, जैसा कि आप शायद देख भी पा रहे हो. ये एक इसका बहुत ही अच्छा फीचर है, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपने अपने बच्चे को कितना फीड कराया है. इसको बहुत ही इजीली आप खोल और बंद कर सकते हैं. नीचे का पार्ट बहुत ही सॉफ्ट है और जो ये ऊपर का पार्ट है जिसमें स्पून लगा है वो हार्ड है. जब आप नीचे से फूड को स्क्वीज करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे प्रेशर डाल के, तो ये जो फूड है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा चम्मच में निकल आएगा. आप अपने बच्चे को जितना क्वांटिटी में आप चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में स्क्वीज करें फूड को और उसको फीड करा सकते हैं. इसमें एक कवर भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा इसका एक फीचर है, जिससे कि फूड को जर्म से बचाया जा सकता है और इसका हाइजीन भी मेंटेन रहती है. जब आप इस पैक को खोलते हैं तो उसमें एक छोटी सी स्लिप भी मिलती है, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि आप इसका यूज कैसे करें और आप इस प्रोडक्ट की केयर कैसे करें. अब हम लोग इसके फीचर्स और प्राइस वगैरह देख लेते हैं. सबसे पहला इसका फीचर्स ये है कि ये 100% फूड ग्रेड और BPA फ्री प्लास्टिक का बना हुआ है. इजी टू स्क्वीज है, यानी कि आप हल्का सा ही प्रेशर देंगे तो अपने आप ये जो फूड है वो आगे की तरफ निकल आता है चम्मच में. इसका जो स्पून है उसके एजेस जो हैं वो बहुत ही स्मूथ और राउंड शेप में है, यानी कि जब आप बच्चों को स्पून से फीड कराएंगे तो वो बच्चों को जरा सा भी हर्ट नहीं करेगा. इजी टू असेंबल है, यानी कि आपको कुछ असेंबल करने में बहुत सोचना नहीं पड़ता है. जैसे आप मिल्क की बोतल को यूज करते हैं, आप इसको भी वैसे ही यूज कर सकते हैं. इसको स्टरलाइज भी किया जा सकता है. इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि ये 90 ml की पूरी बोतल है, जिससे कि आपको ये पता रहता है कि आपने बच्चे को कितना फीड कराया है. ये अनब्रेकेबल है, यानी कि अगर ये गिर जाए तो ये टूटेगा नहीं. ये बाइट रेजिस्टेंट है, क्योंकि आगे का इसका जो पार्ट है वो थोड़ा हार्ड होता है तो बच्चे उसको टीस नहीं सकते हैं. यानी कि बच्चों के जब दांत निकलना चालू होते हैं या दांत निकल जाते हैं तो बच्चे जब काटना स्टार्ट कर देते हैं बोतल वगैरह को, तो वो बोतल फट जाती है या बड़ी हो जाता है उसका छेद, जिससे कि वो बोतल बेकार हो जाती है. बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता है. इजी टू ग्रिप है, आप इसको बहुत ही इजीली पकड़ सकते हैं और मतलब ये अच्छी ग्रिप बनती है. ऐसा नहीं कि फिसलने वाला प्लास्टिक हो, अच्छा सा पकड़ है इसकी. इसको बनाने में पूरा सेफ्टी और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है. क्या होता है कि जब बच्चों को खाना खिलाया जाता है तो वो इधर उधर मुंह करते हैं या हाथ पैर हिलाते हैं, जिससे कि स्पून से लगने का डर रहता है. लेकिन अगर स्पून की एजेस स्मूथ हो तो फिर बच्चों को हर्ट नहीं होता है. तो इसकी एजेस बहुत ही स्मूथ और राउंड है, जिससे कि बच्चों को जरा सा भी हर्ट नहीं होता है.
आप इस प्रोडक्ट का यूज करके मेस फ्री और कन्वीनियंट फीडिंग करा सकते हैं अपने बेबी को। आप इसमें सेमी लिक्विड फूड ही भर सकते हैं, जैसे कि जो वो थोड़ा लिक्विड और थोड़ा गाढ़ा होता है, यानी कि जैसे मिल्क शेक की जो कंसिस्टेंसी होती है, इतना गाढ़ा जो फूड होता है वही बच्चे को आप इसमें भर के खिला सकते हैं। बहुत गाढ़ा या फिर बहुत पतला आप इसमें चीज़ें नहीं दे सकते हैं, इसमें सेमी लिक्विड फूड ही दिया जा सकता है बच्चे को। जब आप इसमें भरेंगे फूड और उसके बाद थोड़ा सा इसको प्रेशर देके दबाएंगे तो फूड जो है वो आगे की तरफ जो इसका स्पून है उसमें आ जाता है। आप इस स्पून से बच्चों को आसानी से फीड करा सकते हैं, उनको खिला सकते हैं खाना, और उसके बाद ये कवर इस तरह से लगा सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।